हेलो गाइस, वेलकम टू द एस्केप ब्लॉग। आज का ब्लॉग रहेगा नेपाल है थोड़ा का। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, क्या सीन है यार, ऐसा सीन होना चाहिए यार। चौकी टोल में सस्पेंशन ब्रिज है थोड़ा, ये घूमने वाला जगह है यार। यहाँ पे कभी जाके घूम लो यार, सही जगह है यार घूमने के लिए। आगे का ब्लॉग अभी चलो आगे देखते हैं। ये हो गया आपको त्रिखंडी झरना हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, बढ़िया यार, मस्त है। एक और झरना उससे पहले पड़ता है, बट वहाँ पे कपल लोग जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब सिर्फ बॉयज़ ही देखने को मिलेंगे। उधर है तो उधर कपल वगैरह सब मिलेंगे। उधर झाड़ी टाइप पे है तो उधर कपल वगैरह भी दिखते हैं। ये जगह यार मस्त है, घूमने लायक जगह है यार। कभी जाओ घूमो, नहाने के लिए भी जगह बढ़िया है। ये एकदम साफ पानी आता है यार हमेशा। अभी जैसे अभी एकदम ये गर्मी के मौसम में मतलब मैं गया हूँ, तो इसमें भी इतना तेज भी बारिश आ रहा है, मतलब झरना हो रहा है। घूमने के लिए जगह है यार। यहाँ जाने के लिए आप बाई रोड जा सकते हैं, बाई बस से भी जा सकते हैं, बाई टैक्सी भी जा सकते हैं, बाई बाइक भी जा सकते हैं, कोई सा भी चीज़ से आप जा सकते हैं, सिवाय रेलवे और फ्लाइट का। ये बाई रक्सौल अगर जाते हैं तो रक्सौल से आपको 65 का के आसपास पड़ेगा डिस्टेंस इसका। ये है थोड़ा से थोड़ा जो मेन मार्केट है उसे थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे नहीं है, थोड़ा सा आगे बस, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा बस, 5 किलोमीटर के अंदर से ही है। देख लो गाइस ये सीन। मैं गया बस नज़ारा दिखाने के लिए, कहाँ भाई लोगों को कैसा लग रहा है, क्या रिव्यू मिल रहा है। बट यहाँ पे एनी टाइम भीड़ रहता है यार, यहाँ पे कभी भी जा सकते हो। ऑसम जगह है यार, यहाँ पे कभी भी जा सकते हो। बट सीज़न यहाँ का रहता है गर्मी के ही टाइम पे, बट यहाँ पे कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एनी टाइम आपको पानी मिलेगा नहाने के लिए, आपको यहाँ पे एनी टाइम कभी भी जा सकते हो। हमेशा ये झरना से पानी निकलता है। उससे पहले वाला है, इससे छोटा झरना है, बट वो भी बढ़िया है। वहाँ पे अगर आप कपल हो तो कपल के साथ जा सकते हो, बट उसमें भी रिक्स है क्या कि उसमें बंदे कुछ गलत बंदे चले जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत तो किसी भी काम में यार रिक्स होता ही है, बाकी आप लोग समझदार ही होंगे गाइस। आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग तो बढ़िया से जानते ही होंगे। लेकिन बढ़िया जगह है यार, ऑलमोस्ट मतलब 5 में 5 ही मिलेगा यार इसको। व्यू वगैरह सब बढ़िया, आगे आप देख ही लेना गाइस, आगे का सब बढ़िया है भाई। यार नज़ारा देखो यार, कैसा सीन है यार, पूरा पहाड़ी पहाड़ लगा हुआ है यार। सच बताऊँ तो यार कश्मीर के बाद मतलब क्या बोले, अपना नेपाल ही घूमने वाला जगह है। कश्मीर तो पूरा पहाड़ी इलाका है, बट वहाँ पे टेररिज्म भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे टेररिज्म ना के मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ पे भी होता ही है, बट कश्मीर जैसा हालत तो नहीं है। कश्मीर का तो बदतर हालत है। ये देखो यार ब्रिज, ये ऐसा फील ही देता है यहाँ पे कि यार क्या बोले अब।
जैसे कश्मीर में घूम रहे हैं, कश्मीर में जैसे मूवी में आता है ना ब्रिज का सीन, वैसा ही ब्रिज है यार, गजब का सीन है यार। आगे का सीन गाइस आप इंजॉय करो। पहाड़ी इलाके में गाइस बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार, मज़ा आ जाता है। ऊपर से रोड का कंडीशन ऐसा मिले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, एकदम मक्खन जैसी गाड़ी चलती है। बट प्रॉब्लम यही है कि वन वे रहती है पहाड़ी इलाका में ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है, बट एकदम मस्त है यार, मक्खन की ऐसी गाड़ी चलती है पूरा, एकदम लगता है कि यार मक्खन है, उंगली पे घुमा लोगे भाई बैठो। ये जो बगल में निकल रहा है ये नदी है, रिवर है, ये कौन सा रिवर है ये मेरे को भी नहीं मालूम है, बट ये कोई रिवर है जो कि नेपाल का पानी इधर से होके निकलती है, थूड़ी होते हुए निकलती है ये नदी रिवर। सीन है यार ये, सामने देखो यार, सामने एकदम मस्त लग रहा है यार, क्या बोले, अपन दार्जिलिंग में घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। वन साइड तो पहाड़ है, वन साइड खाड़ी, ऐसा ही लग रहा है, ये सीन ही कुछ ऐसा है। इंजॉय करने लायक है यार यहाँ पे, वैसे तो आप चाहोगे जो भी चाहोगे वो भी मिलेगा यहाँ पे, जैसे अपने तो जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार में तो ये है नहीं, बियर दारू वगैरह अलाउ नहीं है, बट अगर आप चाहो तो नेपाल में तो पूरा ओपनली चलता है यार, जैसे चाहो ऐसे कहीं पे भी ले सकते हो, बट वही है कि हाँ कंडीशन वहाँ पे भी है कि आप ड्रिंक करने के बाद ड्राइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे भी रास्ता का कंडीशन देख ही रहे हो, कहाँ वन साइड पहाड़ एक साइड खाड़ी पूरा पड़ा हुआ है, तो रिक्स तो गाइस अपना भी रहता है कि हाँ अपन अपना सेफ्टी खुद से रखें। फिर भी गाइस ड्राइव करो, बढ़िया से ड्राइव करो। नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस और बढ़िया सीन होने वाला है, नेक्स्ट ब्लॉग में और बढ़िया सीन होने वाला है, नेक्स्ट ब्लॉग कल के डेट में अपलोड होगा, नेक्स्ट व्लॉग में पूरा मस्त सीन है यार, ये तो शुरुआती का सीन है, नेक्स्ट व्लॉग देखो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मज़ा आ जाएगा, पूरा मज़ा आ जाएगा, उस व्लॉग पूरा इंजॉय करोगे गाइस। एक चीज़ है यार कि आप पहाड़ी इलाका में जाओगे तो वहाँ पे तो हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है, पूरा हरियाली भरा हुआ रहता है, तो वहाँ पे है क्या कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कब बारिश आए कब बारिश छूटे ये उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, तो ये पहाड़ी इलाका में ध्यान रखना गाइस, जब भी जाओ तो रेन कोट ज़रूर रखो, रेन कोट गाइस कंपलसरी है एकदम, रेन कोट ज़रूर रखो, नहीं तो फिर पूरा अगर भीगते हुए अगर राइड का इंजॉय करना है तो फिर कोई बात ही नहीं, नहीं तो अगर बारिश से बचना है, रेन से बचना है तो रेनकोट गाइस रखो। वैसे तो मतलब बाइक चलाने के लिए चीटर वगैरह जैसे बोलते हैं, चीटर बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में, चीटर वगैरह तो अपन पहनते ही हैं धूल मिट्टी वगैरह से बचने के लिए, बट रेनकोट हो तो बेटर है, रेनकोट अपने मतलब लगेज में डाल लो बढ़िया रहता है। क्या सीन है यार, एकदम मस्त सीन है, ऐसा सीन हो तो मज़ा ही आ जाएगा, इधर अपने लोकेशन पे तो है नहीं, तो ये ऐसा सीन चाहिए गाइस तो फिर अपने को तो वहीं जाना पड़ेगा, दार्जिलिंग जाओ या जम्मू एंड कश्मीर जाओ,
नहीं तो अपना तो गाइज नियर बाई में पड़ता है, नियर नज़दीक पड़ता है, तो अपन यहाँ पर तो कभी भी जा सकते हैं। फिर भी मैं इतना नज़दीक होते हुए गाइज, ये देखो यार मौसम, इतना नज़दीक रहते हुए भी मैं इससे पहले कभी यहाँ पे नहीं गया, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम में ही गाइज मतलब राइड का पूरा मज़ा आ गया पूरा। यहाँ पे गाइज मतलब नेपाली सशस्त्र सीमा बल है ना, जैसे इंडियन का आर्मी होते हैं, SSB होते हैं, वैसे नेपाली का यहाँ पे ये है, कैंप है जो कि मेन उनका ब्रांच है यहाँ पे, उधर तराई इलाका का पूरा, जैसे तराई बोलते हैं समतल यानी बराबर ज़मीन को बोलते हैं, तो तराई इलाका का ये मतलब मेन कैंप है। यहाँ से अब जैसे आए मतलब नीचे उतरोगे तो आगे आपको तराई इलाका ही मिलेगा। यहाँ से लगभग 20 या 25 किलोमीटर के आसपास आगे जाओगे, नीचे उतरोगे तो उसके बाद बराबर ये देखो, ये ब्रिज मैं बोल रहा था गाइज, ये ब्रिज यार एकदम कश्मीर वाला सीन याद आ जाता है, एकदम यार गजब का सीन है यार। जो मूवी में शूट होता है ना यार, वो क्या बोलते हैं कश्मीर में, वही है यार, वही ब्रिज है, समझो कि कश्मीर ही घूम रहे हो यार। बस ये है कि कश्मीर में सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं, बट यहाँ पे है सेफ्टी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं, यहाँ पे सेफ्टी है गाइस, यहाँ पे वो समस्या नहीं है। अब अपन अभी है थोड़ा मार्केट पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे ही थोड़ा मार्केट, बाकी देखते हैं गाइज। शहीद स्मारक है थोड़ा में, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो शहीद स्मारक भी कवर करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है तो बारिश कब आ जाएगी गाइज कोई गारंटी नहीं है। देख लो गाइज बारिश आ ही गई, शायद बारिश आ ही गई, सामने बारिश हो ही रही है। अब मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा गाइज, मेरे को यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। देख लो बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पे मतलब बस स्टॉप के जैसा बना हुआ है, बस स्टॉप ही है जैसा, क्या बस स्टॉप ही है, यहाँ पे अपने को रुकना पड़ेगा।